हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े। तो आलू का पकोड़ा हम आज बिना मीठा सोडा का बनाएंगे, और फिर भी मेरा पकोड़ा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे होगा। तो आइए हम आलू का पकोड़ा बनाते हैं। आलू का पकौड़ा बनाने के लिए हम यहाँ आलू लिए हैं, दो आलू लिए हैं मीडियम साइज का। उसको हम अच्छी तरह से धो के और उसका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद हम इसे पीसेस में काट लेंगे। आप, ये तो मैं चाकू से काटी हूँ, आप चिप्स काटने वाले मशीन से भी काट सकते हो। ये मेरा आलू का पतला पतला स्लाइसेस कट गए हैं। अब मैं घोल बनाऊंगी। तो घोल बनाने के लिए मैं यहाँ ढाई ढाई चम्मच बेसन ली हूँ। और मैं उसमें थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर डाली हूँ। जीरा, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, और ये मैं अजवाइन ली हूँ, इसे क्रश करके मैं इसमें डाल दूंगी। इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है पकोड़ा में। और यहाँ एक चीज, मैं यहाँ एक चम्मच हरी मिर्च, लहसुन अदरक का ऐसे कूट के डालूंगी, एक चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ मैं नहीं डाली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। तो ये मेरा घोल तैयार है, इसी तरह का चाहिए। ज़्यादा मोटा घोल मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए, गिराने से, चम्मच से जब हम गिराते हैं तो पूरी अच्छी तरह से गिर रहा था। और यहाँ हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया था, मैं उसमें तेल डाल दी हूँ। तेल पूरा गर्म होना चाहिए। और यहाँ एक और बात, इसमें मैं ये जो घोल, बेसन का घोल बना के रखी थी, इसमें मैं इसी कढ़ाई से लेके एक चम्मच तेल लेके उसमें डाल दी थी। इससे क्या होगा, मेरा पकौड़ा इसी से क्रिस्पी बनेगा। तो ये मैं बेसन में डीप कर करके एक एक आलू का स्लाइस और तेल में डाल रही हूँ। जब हम पकौड़ा तलेंगे, तलने के लिए डालेंगे, तभी मेरा तेल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म होना चाहिए। इसके बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दूंगी। नहीं तो इससे क्या होगा, देखिए मेरा पकौड़ा फूला फूला बन रहा है। इससे क्या होगा कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे पकौड़ा को तलेंगे, तो ऊपर से पकौड़े मेरे क्रिस्पी बन जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए मीडियम टू लो पे हमें पकोड़ा को तलना है। इस तरह से अलट पलट के दोनों तरफ से हमको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन तक पका लेना है। इस प्रोसेस में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं।
जो लोग कहते हैं कि मेरा पकोड़ा बिना मीठा सोडा का, बिना चावल के आटा का क्रिस्पी नहीं होता है, तो आप इस तरह से एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका पकोड़ा भी क्रिस्पी बनेगा। ऐसे मीठा सोडा स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड, मेरा पकोड़ा बन के तैयार है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ लाल चटनी के साथ। ऐसे बिना कोई चटनी के साथ भी ये पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।